नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रात के अभी बज रहे हैं 10। क्यों भाई? और आज की वीडियो में हम बेंगलोर के कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट लाइफ इधर कैसे चलता है, लोग क्या रेंट पे करते हैं और उनका कॉलेज सीन क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो पहला काम मेरा ये है, मेरा नहीं आपका है, कि आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग जो भी आएगा आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी देख रहे हैं भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों भाई साहब? तो भाई साहब हम चाहते हैं पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्यांश है। आप कहाँ से हो? मैं रांची से हूँ। रांची यानी कि आप भी यूपी के रहने वाले? हाँ, झारखंड। यूपी में नहीं पढ़ता रांची, रांची एक अलग स्टेट है। सॉरी भाई, तो अभी इधर चल क्या रहा है आपका? मेरा यहाँ पे बीटेक अभी हम कर रहे हैं। बीटेक? बीटेक आईटी ब्रांच। आईटी ब्रांच में? आईटी ब्रांच मतलब जैसे हम लोग की तरफ बोला जाता है ना, मतलब आईटी तो यहाँ का फंडा है। नहीं नहीं, आईएएस यहाँ का फंडा है, ये आईटी हम लोग बोलते हैं ना उधर का। तो ट्रेड क्या होगा उसमें? जैसे कि लाइक मैकेनिकल सिविल लोग बोलते हैं ना। तो जैसे आप कंप्यूटर साइंस का सुने हैं ना, उसी का सब ब्रांच है यहाँ पे। आपको सॉफ्टवेयर अच्छा। के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सॉफ्टवेयर कुल मिला के माने तो कंप्यूटर साइंस है। ठीक ठीक, बिल्कुल। अभी इधर आप पीजी में रहते हो, कितना रेंट पे करते हो इनको? हम यहाँ पे 6,000 रुपए इनको देते हैं अभी। 6,000, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? जैसे कि आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है आपका फूड है, बेड है, आपको यहाँ पे आपको कार्ट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मैट्रेस बोल सकते हैं, टेबल मिल जाएगा, फैन, लाइट, व्हाटएवर, ये सब छोटी मोटी चीजें, सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए आप टोटल 6,000 पे करते हो, इसमें आपका फूड है और एक रूम मिलेगा आपको और बेड, मतलब ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। हाँ जी, ठीक। फूड का क्या सिस्टम है यहाँ पे? फूड का देखिए, मतलब जैसे कि अभी आप नॉर्थ इंडिया से हो और इधर साउथ इंडिया में आए हो, तो क्या लोग ज्यादा साउथ इंडिया का फूड आपको प्रोवाइड करते हैं कि नॉर्थ इंडिया का भी मिलता है? एक्चुअली ये ऑनर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अभी जिस पीजी में रहता हूँ, ये नॉर्थ इंडियन जिनका है ये पीजी, वो नॉर्थ इंडियन है, शायद इलाहाबाद या फिर कहीं क्या है, तो उनका यहाँ पे पीजी है जिसके कारण से हमें थोड़ा नॉर्थ इंडियन खाने को ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई और पीजी में जाते हैं, अगर वो उनके ऑनर साउथ इंडियन होते हैं, तो डेफिनेटली आपको साउथ इंडियन खाने को मिलेगा। जी जी। अभी एक कर क्या रहे हो आप? अभी तो फिलहाल मैं पार्ट टाइम जॉब का है, तो वो अपना देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी भाई साहब कुछ अपना ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं क्या? बेंगलोर में लड़के जैसे आते हैं तो क्या, जैसे कि हमने बेंगलोर में मतलब भटकने का चांस भी होता है। हाँ जी। तो इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? अभी जैसे आप इधर रात में पढ़ाई करते हो, अभी बहुत लड़के एंजॉय भी करते होंगे, पीजी लाइफ के बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। रात में एक्चुअल में लोग पढ़ाई करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं? ये तो देखिए, ये ऐसा टॉपिक है ना जो सब के अलग अलग चीज निकल सकता है, मतलब हर एक स्टूडेंट का अपना अपना फंडा है। अपना फंडा है। अभी आपका क्या फंडा है? अभी तो फिलहाल मेरा फंडा है कि अभी पढ़ाई करना है, पार्ट टाइम जॉब अगर होता है तो पार्ट टाइम जॉब करना है, या फिर आगे जाकर के अपना लाइक एक सेटल लाइफ को रखना है, तो जिसके कारण से मेरा दोनों चलता है, पैलरी मस्ती भी होती है, पढ़ाई भी होती है, जॉब भी होता है, सब चीज पैलरी होता है। अच्छा, अभी बेंगलोर में आपके कितने साल हो गए? मेरे को अभी तकरीबन 1.5 साल होने पर। 1.5 साल? क्या 1.5 साल के सफर में कोई अपने गर्लफ्रेंड बनाया कि नहीं? नहीं बनाया। क्यों नहीं? डरते हो क्या गर्लफ्रेंड? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट देखिए दोस्ती यारी अपने जगह है, मस्ती मजाक अपने जगह है। अब वो एक होता है ना, मेरे को समझ नहीं आता है वो गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट, बहुत कोई को अच्छा लगता है, बहुत कोई को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी वो लोग ज्यादा सीन क्रिएट कर देती है। मतलब ऐसा होता है, अभी मैं तो सिंगल हूँ, कुछ मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं। अभी मैंने बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया नॉर्मली, आपके पास है या नहीं? नहीं, मेरे को भी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस। अगर हो गुरु, अगर होगा भी ना तो आप हो सके मेरे से बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या ही। आज देखिए, आज का मॉडर्न जनरेशन है, ये सब चीजें बहुत वीडियो चल रहा है, बाकी हो सके आपकी गर्लफ्रेंड भी देखी तो कमेंट। गर्लफ्रेंड होगी तब ना देखी। अगर गर्लफ्रेंड देखेगी तो कमेंट में हमें रिप्लाई आना चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड वो तो जरूर रिप्लाई करे। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। तो बेंगलोर का मतलब यही फंडा है। अभी कॉलेज के अगर बारे में हम बात करें, जैसे बाहर बहुत से कॉलेज है बेंगलोर में, एक आईटी हब भी माना जाता है, और लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी है, मतलब इंडिया के किसी भी। तो कॉलेज में क्या रियल में मतलब फैकल्टी कैसा होता है, मतलब पढ़ाई कैसे होता है, इसका सीन क्या है?
देखिए फैकल्टी अपने जगह बहुत जगह के, आप देखिए ये फैकल्टी कॉलेज पे डिपेंड करता है और फैकल्टी स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। कॉलेज पे इस प्रकार से डिपेंड करता है, अगर आपका कॉलेज अच्छा वेल सेटल्ड है तो डेफिनेटली उसके फैकल्टीज भी अच्छे होंगे, क्योंकि उनको आगे भी सस्टेन करना है, आगे भी अपने कॉलेज को आगे बढ़ाना है। तो पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर है कि स्टूडेंट को कैसे समझ में आता है वो फैकल्टी, किसी को बहुत समझ में आ जाता है वो फैकल्टी, किसी को कुछ नहीं समझ में आता, एक ही जन का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। तो समहाउ ये आप कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, ये जगह पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम फीस की बात करें तो नॉर्मल फीस कम से कम क्या हो सकता है अगर कोई बीटेक के लिए आता है इधर? देखिए यहाँ पे जो मैं पर्टिकुलर बैंगलोर का हूँ, तो अभी मैं बैंगलोर का ही बता रहा हूँ आपको, या फिर कर्नाटका का ओवरऑल, कि यहाँ पे मैं कॉमेडिके का एग्जाम देकर के आया था। कॉमेडिके मैंने क्वालिफाई किया, अच्छे रैंक आए, जो रैंक के हिसाब से काउंसिलिंग हुई उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट हुआ। एक मिनट थोड़ी सी आप स्टॉप दीजिए अपने बात को। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमने एग्जाम क्वालिफाई कर गया है, तो बेसिक सीन अगर कोई आता है, जैसे डायरेक्ट एडमिशन होता है, अलग अलग प्रोसेस के होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमें इस एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन करिए, मतलब बेसिक जनरली कैसे स्टार्ट हुआ, या फिर कैसे हमने एग्जाम दिया, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लोग ले लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा फंडा में डिटेल में समझाइए। देखिए इसका मैंने एग्जाम दिया था कॉमेडिके का, जो पर्टिकुलर है, ये बहुत सारे स्टेट्स का अलग अलग एग्जाम। कॉमेडिके मतलब इसका मतलब फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है, शायद ये गूगल मतलब करके। कर्नाटका का एग्जाम है, कर्नाटका का एग्जाम है जी, बिल्कुल। चलिए ये कर्नाटका के एग्जाम है, ये कर्नाटका का इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है जी जी, एंड आपका मेडिकल के लिए भी होता है इसी चीज पे बेस्ड। अच्छा, ऐसे ऐसे सारे स्टेट्स का अलग अलग होता है, सारे स्टेट या फिर कुछ स्टेट्स का अलग अलग होता है, तो उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, तो वो शायद गूगल करेंगे लोग तो अच्छे से उनको पता चल जाएगा। तो इसमें प्रोसेस यू रहता है कि आपका सिलेबस वही रहता है जो 12th तक आपने पढ़ा है, जैसे आप जेईई मेंस का जो एग्जाम लिखते हैं, अगर इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है तो वैसे ही सेम सिलेबस है। यहाँ पे भी एग्जाम देते हैं, फिर अपना लाइक फॉर्म वॉर्म भरना होता है, फॉर्म के कुछ चार्जेस रहते हैं, देन उसके बाद क्वालिफाई अगर आप हो जाते हैं अच्छे रैंक से, इधर क्वालिफाई तो सारी ही कोई हो जाते हैं, बस रैंक उनकी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण से काउंसिलिंग के टाइम पे कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छा रैंक पे हैं तो आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा, आप उस हिसाब से जज कीजिए, पता कीजिए उस कॉलेज में कि आपको वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं, आप एक बार आइए विजिट कीजिए उस कॉलेज को, सब देखिए देन। यानी कॉमेट के मतलब जिसमें उसमें सिलेबस होता है 10+2 का, जो आप पहले से पढ़े, नॉर्मल सिलेबस या जी जी, तो ये तो फंडा ठीक है। अब बाकी का जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है, जैसे अभी कोई मतलब डायरेक्ट आए और डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले, उसका क्या सीन है? डायरेक्ट अभी वही चीज है, आपका 12th का प्लस 2 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप उसको भी एक प्रूफ बना के ले जा सकते हैं कि देखिए मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, मेरे इतने रैंक आए हैं, मेरे 12th में इतना मार्क्स आया है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, अगर आप प्रोसेस बता दीजिए। तो वो सारे कॉलेज के शायद अपने अपने प्रोसेस होंगे, एंड वो नो डाउट मैनेजमेंट का, ये हम लोग ये साउथ इधर साइड के बोलते हैं कि मैनेजमेंट में हम लोग बोलते हैं एडमिशन, इनकी चार्जेस अलग रहती हैं। अच्छा, जो नॉर्मल स्टूडेंट कोई कंपटीशन का एग्जाम देकर के आते हैं या फिर कुछ और तरीके से आते हैं, लेकिन अगर जो डायरेक्टली एडमिशन कराने के लिए आते हैं उनका अलग चार्जेस रहता है, जो कि हायर रहता है इन सब चार्जेस से। हमने बैंगलोर के बारे में सुना है जैसे कि फ्रॉडुलेंट ब्रोकर ऐसे लोग होते हैं, इनका क्या सीन है? जैसे हमने अभी आई थिंक हमको भी बैंगलोर में 10 दिन हो गए, तो हमने सुना है कि इधर ब्रोकर ज्यादा होते हैं, आपसे कहेंगे कि एडमिशन करा देंगे और कुछ पैसे आपसे चार्ज करेंगे, इनका क्या सीन है, क्या फंडा है, और इनसे कैसे हम बचें? देखिए इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि इस पे विश्वास ही ना किया जाए। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे कुछ होंगे भी ऐसे जो करा सकते हैं एडमिशन, बट मेरा मानना है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप आइए कॉलेज में विजिट कीजिए, डायरेक्टली कॉलेज के फैकल्टी से या फिर जो ऑफिस के पर्सन हैं वहां उनसे डायरेक्टली जाके बात कीजिए। इफ वहां पर डायरेक्ट एडमिशन होगा तो आपको ले लिया जाएगा, आपको कोई ब्रोकर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो नो डाउट उनके भी अलग से कुछ चार्जेस रहेंगे, अगर वो करा देते हैं तो नो डाउट। अगर आपको फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ, वो पैसे लेके भाग भी सकते हैं, क्या पता आप जानते नहीं है, तो ये सब चांसेस है। तो इसके कारण से आप ये सब चीज़ में ध्यान ना देते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे एग्जाम्स के लिए नहीं होता है या फिर आप समहाउ को एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो आप डायरेक्टली आकर के मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं। यानी कुल मिला के माने जाने तो अगर आप फर्स्ट टाइम बैंगलोर आ रहे हैं तो कॉलेज वगैरह पहले से आप सर्च करके रखो, एक पूरा मतलब आप फॉर्मेट बना के रखो, हमें यहाँ पे जाना है और इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बीच में मतलब जब भी आओ ना, आप देखो बच्चों की मीडिएटर की रिक्वायरमेंट ना हो, मीडिएटर से अगर आप बचते हो तो बहुत फायदा होगा।
और ऐसे मीडिएटर पकड़ लोगे तो जरूर वो कुछ ना कुछ आपसे पैसे तो खा ही जाएगा। क्यों जी, उनका वही बिजनेस ही एक्चुअली वही है। अगर वो आपको पैसे ही सब चीज प्रोवाइड कर दे तब तो फिर वो महान इंसान कहलाएंगे। और होते भी होंगे ऐसे, मुझे पता नहीं है इसके लाइन के बारे में, अगर वैसे डायरेक्टली प्रोवाइड करने वाले होते भी हैं तो शायद 100 में से 1 होंगे जिनके बारे में आपको पता चले या ना चले, किसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूँ, कोई भी बेंगलुरु में आ रहा है तो भाई एकदम सतर्क रहे, बाकी का पहले से प्री प्लान करके आए कि सब कुछ आने के बाद सही हो। डायरेक्ट कॉलेज में लेना हो तो डायरेक्ट सीधे कॉलेज पे जाए, वहाँ पे जो भी मतलब फैकल्टी है उनसे बात करें और फिर एडमिशन ले, और जो बीच बिचौलिए के लोग के चक्कर में ना पड़े, तो नहीं तो भाई भारी का भारी नुकसान हो सकता है। बाकी इतना सीन तो हो गया, ठीक अभी 1.5-2 साल से बेंगलोर में हो, अभी मतलब क्या इधर का माहौल है स्टूडेंट का, पढ़ाई का, लोग कैसे रहते हैं यहाँ का, मतलब अगर जैसे कि फूड की बात करें, लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं साउथ इंडिया में तो कितने लोग को खाना वगैरह में दिक्कत होता है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब उनका क्या सीन है, कैसे लोग मैनेज करें, ये भी चीज़ें तो प्रॉब्लम फेस लोग करते हैं। और ये धीरे धीरे ये तो रहने की आदत पड़ जाती है एक्चुअली। आप 1 से 2 महीने रहेंगे तो आपका फूड एडजस्ट हो जाता है। क्लाइमेट बैंगलोर का बहुत अच्छा है कि आप अभी नवंबर दिसंबर का समय चल रहा है अभी, और मैं अभी हाफ शर्ट में बैठा हुआ हूँ। एक दिन हमने सुना किसी आदमी ने कहा कि भाई एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बैंगलोर की लड़कियां और बैंगलोर का मौसम, कभी भरोसा मत करना, क्या ये चीजें सही है? एक्चुअली सही है, लेकिन हाँ यहाँ ठंडी उतनी गिरती नहीं है, तापमान लगभग लगभग हमेशा एक ही टाइप का रहता है। यानी कि मतलब जैसे कि स्वेटर जैकेट की जरूरत नहीं पड़ता इधर उतना नहीं, बट हाँ दिसंबर पहुंचते पहुंचते आप पतली जैकेट या फिर मतलब लाइक उतना कहीं रहता है जितना आराम से झेला जा सकता है। तो क्लाइमेट नो डाउट बैंगलोर का बहुत अच्छा है। एंड ना लड़कियों की बात है तो वो तो जाने दूसरे। अच्छा अच्छा तो कोई भी अगर आपको डाउट हो बैंगलोर आने में या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी का जितना मतलब पॉसिबिलिटी हो सका इस वीडियो में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, भाई से बात किया है, और कोई भी अगर हेल्प हो सकता है तो आप इनका भी ले सकते हो या हमारा भी ले सकते हो जब तक हम हैं, अगर नहीं रहेंगे तो अलग बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।